अब अल्कोहल बनाना है हमें फ्रॉम एल्कीन। अब सपोज हमने सिंपल एल्कीन ले ली इथीन अलोंग विथ वाटर इन एसिडिक मीडियम। तो वाटर के कौन कौन से पोर्शन होते हैं? एच प्लस एंड ओ एच नेगेटिव। सो एच प्लस एंड ओ एच नेगेटिव ऐड कर दी, एक तरफ क्या हो गया सी एच थ्री और दूसरी तरफ सी एच टू ओ एच। अब इसमें वाटर ऐड हुआ, सो एडिशन ऑफ वाटर को क्या बोलते हैं? हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन। एक तो ये हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन, और ये जो एच प्लस है इट इज एन एसिड, ठीक है? तो दिस इज कॉल्ड एसिड कैटलाइज्ड हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन। दिस रिएक्शन इज एसिड कैटलाइज्ड हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन टू अल्कोहल। अब मैकेनिज्म ऑफ दिस एसिड कैटलाइज्ड हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन टू अल्कोहल। तो स्टेप वन जो है, इन स्टेप वन एच टू ओ फर्स्ट एच प्लस आयन एंड एच टू ओ रिएक्ट विद इट टीचर टू गिव एच थ्री ओ प्लस। तो एच थ्री ओ प्लस जो है, ये जो है इट इज हाइड्रोनियम आयन। ये सबसे पहले हाइड्रोनियम आयन जो है वो इथीन पे अटैक करेगा। अब इथीन क्योंकि अब वो देख पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, सो पाई इलेक्ट्रॉन की क्लाउड की तरफ एच प्लस अट्रैक्ट होगा। अब लेट अस टेक एग्जांपल की सपोज कि ये इलेक्ट्रॉन पे इधर शिफ्ट हुआ, इधर शिफ्ट हुआ तो इस पे क्या जाएगा? नेगेटिव। और सी एच टू पे, इधर वाले सी एच टू पे पॉजिटिव, मतलब इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट हो गया ना, ये ट्रांसफर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स इन द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोनियम आयन, मतलब अटैकिंग रेजेंट, ठीक है ना? तो ये एक किस्म का ऐसे हो गया, देखो सी एच टू नेगेटिव एंड दिस सी एच टू पॉजिटिव, सो एच प्लस साइन आ जाएगा इधर, तो क्या बन जाएगा ये सी एच थ्री सी एच सी एच टू सी एच थ्री और ये पॉजिटिव, तो ये क्या बन गया? कार्बोकैटायन। और कार्बोकैटायन जो है, जो इथिल एल्कीन से ये कार्बोकैटायन बनता है, दिस इज स्लो स्टेप, और ये ही रेट को डिटरमिन करता है। जितना स्टेबल कार्बोकैटायन बनेगा उतनी एल्कीन रिएक्टिव होगी, मतलब उतनी जल्दी आपको प्रोडक्ट मिलेगा, ठीक है? अब स्टेप टू, स्टेप टू में क्या होगा? ये जो इसके साथ देखो हाइड एच प्लस आयन तो इसके ऊपर आ गया, तो इसके साथ बनेगा क्या? एच टू। अब दूसरे स्टेप में मैंने ऐसे लिख दिया कार्बोकैटायन, एक ही बात, ठीक है? तो अब सी एच थ्री सी एच टू जो ये बना, इसके ऊपर वाटर ने अटैक किया। अब वाटर ऑब्वियसली यही अटैक करेगा। अब जब ये अटैक करेगा, क्योंकि ये लोन पेयर है, अब ये वाटर क्या एक्ट कर रहा है यहां पे? न्यूक्लियोफाइल। ये क्या एक्ट कर रहा था? इलेक्ट्रोफाइल। मतलब ये एल्कीन का कौन सा रिएक्शन हुआ? क्योंकि स्लो स्टेप में इलेक्ट्रोफाइल ऐड हुआ ना, तो इट इज एन इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, है ना? ये न्यूक्लियोफाइल इसके ऊपर आ रहा है अब, तो न्यूक्लियोफाइल भी तो ऐड हो रहा है, बट इट इज नॉट अ स्लो स्टेप, ठीक है ना? अब हुआ, पहला हुआ फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन फ्रॉम एल्कीन, फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप इज अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल ऑन कार्बोकैटायन टू गिव
वाटर यहां पे आ गया तो टू गिव प्रोटोनेटेड अल्कोहल, ये बना था पहले स्टेप में कार्बोकैटायन, अब क्या बन गया प्रोटोनेटेड अल्कोहल। ठीक है, प्रोटोनेटेड अल्कोहल बनने के बाद स्टेप थ्री में ये जो प्रोटोनेटेड अल्कोहल है अब इसकी होगी डीप्रोटोनेशन, और वो जो डीप्रोटोनेशन होगी उसमें ये H प्लस आयन एक वो वाटर ले लेगा और वापस H3O प्लस बन जाएगा, समझे। तो ये जो स्टेप्स अपने किए उसमें पहले स्टेप में क्या हुआ, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन फ्रॉम एल्कीन बाय हाइड्रोनियम आयन, स्टेप टू में फॉर्मेशन ऑफ प्रोटोनेटेड अल्कोहल फ्रॉम कार्बोकैटायन बाय द न्यूक्लियोफिलिक अटैक ऑफ वाटर, एंड थर्ड स्टेप में डीप्रोटोनेशन ऑफ अल्कोहल टू गिव फाइनल प्रोडक्ट, एंड फाइनल प्रोडक्ट इज अल्कोहल। ठीक है, अब इसमें जो स्लो स्टेप है दैट इज फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन। अब कार्बोकैटायन अगर बन रहा है तो कार्बोकैटायन तो रीअरेंज भी कर सकता है, SN1 रिएक्शन में देखा था कार्बोकैटायन बनता था तो वहां क्या होती थी रीअरेंजमेंट, वैसे ही यहां भी रीअरेंजमेंट इज पॉसिबल बिकॉज इट इन दिस रिएक्शन मैकेनिज्म इन्वॉल्व्स फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन। ठीक है, तो एक एग्जांपल करते हैं हम जिसमें रीअरेंजमेंट हो रही, और सिंपल पहले तो ये सबसे सिंपल एल्कीन थी, अब हम इससे थोड़ा सा अलग एल्कीन लेते हैं, ये समझ में आ गया पूरा। अब अगर मैं एल्कीन लेता हूं जैसे प्रोपीन, वाटर H प्लस, अब बताओ H प्लस और OH नेगेटिव ऐड हो रहा है, अब H प्लस कहां ऐड होगा OH नेगेटिव कहां ऐड होगा, यहां पे कौन सा रूल लगेगा मार्कोव निकोव रूल, कौन सा रूल लगेगा मार्कोव निकोव रूल। अब मार्कोव निकोव रूल को आप ऐसे याद रख सकते हो कि नेगेटिव पार्ट ऑफ द अडेंडम, अडेंडम क्या होता है जो मॉलिक्यूल ऐड होता है उसको अडेंडम बोलते हैं हम, ठीक है ना, तो नेगेटिव पार्ट ऑफ द अडेंडम, नेगेटिव पार्ट ऑफ अडेंडम अटैच टू दैट कार्बन कार्बन ऑफ डबल बॉन्ड which has lesser number of hydrogens, ठीक है, या फिर आप ऐसे याद रख सकते हो इसको rich becomes richer, मतलब जहां ज्यादा हाइड्रोजन है वहां और हाइड्रोजन हो जाएंगे, या नेगेटिव पार्ट कहां अटैच होगा यहां कम हाइड्रोजन। अब H2O में एक H प्लस है और एक क्या है OH माइनस, तो OH माइनस जो है वो कहां अटैच होगा इन दोनों में से जिसमें कम हाइड्रोजन है, तो ये इसमें कम है, ठीक है, तो इस केस में ये ऐड हो जाएगा CH3CHOH और इसमें एच ऐड हो जाएगा CH3, तो ये जो है ये होगा मेजर प्रोडक्ट, और अगर OH यहां अटैच हो जाता हूं तो टू सम एक्सटेंट वो भी बनेगा
बट वो क्या होगा, माइनर प्रोडक्ट। तो ऐसा कोई रिएक्शन जिसमें दो स्ट्रक्चरल आइसोमर बन रहे हो, एक मेजर और एक माइनर, तो ऐसे रिएक्शन को बोलते हैं रिजियो सिलेक्टिव रिएक्शन। सुना है आपने? हाँ, तो ऐसे रिएक्शन को रिजियो सिलेक्टिव रिएक्शन बोलते हैं। मतलब ये एक टाइप का रिजियो सिलेक्टिव रिएक्शन है। तो क्या होता है रिजियो सिलेक्टिव रिएक्शन? द रिएक्शन इन विच टू स्ट्रक्चरल आइसोमर्स आर फॉर्म्ड बट वन इज मोर देन अदर, मतलब वन इज मेजर अदर इज माइनर, सच रिएक्शन इज कॉल्ड रिजियो सिलेक्टिव। तो एक रिजियो सिलेक्टिव रिएक्शन, ठीक है। अब ये तो हुआ मार्कोव निकोव रूल के अकॉर्डिंग होता है इसमें एडिशन, ठीक है। बट अगली लाइन है विद रीअरेंजमेंट, मार्कोव निकोव रूल विद, इसमें तो रीअरेंजमेंट नहीं होगी। क्यों? क्योंकि सेकेंडरी कार्बोकैटायन बन रहा है या फिर कौन सा बनेगा प्राइमरी। यहां पे अगर H प्लस ऐड होता है तो यहां प्राइमरी कार्बोकैटायन बनेगा, है ना। मतलब दो कार्बोकैटायन बन सकते हैं। अगर मैं H प्लस यहां ऐड करता हूं तो ये कार्बोकैटायन बनेगा, है ना। और अगर मैं इधर H प्लस ऐड करता हूं तो ये कार्बोकैटायन बनेगा। इन दोनों कार्बोकैटायन में विच वन इज मोर स्टेबल? ये है सेकेंडरी कार्बोकैटायन और ये है प्राइमरी। इसमें एक रिलीजिंग ग्रुप है, इसमें दो, इसमें अल्फा हाइड्रोजन दो है, इसमें अल्फा हाइड्रोजन छह, हाइपर कंजुगेशन ज्यादा, इंडक्टिव इफेक्ट भी ज्यादा, इसलिए सेकेंडरी कार्बोकैटायन इज मोर स्टेबल देन प्राइमरी। इसलिए सेकेंडरी वाले से OH लगाने से मेजर प्रोडक्ट बना, ठीक है ना। ये सिंपल मार्कोव निकोव एडिशन, राइट। अब अगर मैं ऐसा कोई कंपाउंड लेता हूं CH3 CH double bond CH2 प्लस H2O H प्लस, और पूछता है कि व्हाट इज द मेजर प्रोडक्ट। तो अगर हम नॉर्मली सोचें तो मार्कोव निकोव रूल लगा देंगे हम, और अकॉर्डिंग टू मार्कोव निकोव रूल नेगेटिव पार्ट कहाँ लगना चाहिए? हाँ, तो मतलब इन दोनों में से कहाँ पे? यहाँ पे वो चाहना चाहिए। बट जो प्रोडक्ट बनता है दैट इज डिफरेंट। मेजर प्रोडक्ट इज दिस वन। तो नॉर्मली हम ऐसे नहीं सोचेंगे, बट यहां पे एक लाइन जुड़ती है कि जब भी आपको एल्कोहल बनाना है फ्रॉम एल्कीन बाय एसिड कैटलाइज्ड हाइड्रेशन, सो मार्कोव निकोव रूल इज अप्लाइड विद रीअरेंजमेंट, ठीक है। अब देखो विद रीअरेंजमेंट कैसे, देखो मैकेनिज्म में हमने पढ़ा कि सबसे पहले अटैक किसका होता है? H3O प्लस का। H3O प्लस जब अटैक करेगा तो क्या बनेगा? कार्बोकैटायन। अब कार्बोकैटायन कौन सा बनाए? इसको कार्बोकैटायन बनाएंगे, इसको। देखो अगर मैं पहले दोनों बना देता हूं, एक कार्बोकैटायन बन सकता है ये कि H प्लस यहां ऐड करूं, H प्लस इधर ऐड करूं, तो ये कौन सा कार्बोकैटायन? प्राइमरी, सॉरी ये है सेकेंडरी कार्बोकैटायन, और ये कौन सा है? प्राइमरी कार्बोकैटायन। ऑब्वियसली इट इज मोर स्टेबल, और ये लेस स्टेबल। कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी आपको देखनी है, आपको सिंपली अल्फा हाइड्रोजन देख लो, सबसे पहला काम ये। इसमें अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं? चार, बाकी मत देखो। इसमें कितने हैं? दो, तो ऑब्वियसली ये ज्यादा स्टेबल है, तो यही मेन पड़ेगा, ये मेन प्रोडक्ट है ना, मतलब कार्बोकैटायन ये मेजर होगा,
ये आपने पहले बना लिया, ठीक है। तो ये बन गया आपके पास कार्बोकैटायन। अब अगर कार्बोकैटायन के बगल में, कार्बोकैटायन के जो एडजेसेंट कार्बन है, अगर वो टर्शरी या क्वार्टनरी हो तो रीअरेंजमेंट होती है। क्या बोला, याद रखना, रिपीटेड वंस अगेन, इफ कार्बोकैटायन इज एडजेसेंट टू टर्शरी और क्वार्टनरी कार्बन देन रीअरेंजमेंट इज पॉसिबल। सो ये जो पूरा हाइड्राइड है विद इलेक्ट्रॉन पेयर जो है शिफ्ट हो जाएगा, इसको बोलते हैं 1-2 हाइड्राइड शिफ्ट, 1-2 हाइड्राइड शिफ्ट। तो हाइड्राइड शिफ्ट हुआ तो क्या बना, ये प्रोडक्ट बना, H नेगेटिव पूरा शिफ्ट कर दिया मैंने। अब ये कौन सा कार्बोकैटायन था, सेकेंडरी, ये कौन सा कार्बोकैटायन बन गया, एक कार्बन पॉजिटिव कितने कार्बन से अटैच, तीन, तो तीन कार्बन से अटैच मीन इट इज टर्शरी, एंड यू नो टर्शरी कार्बोकैटायन इज मोर स्टेबल देन, दैट्स व्हाई ये जो ड्राइविंग फोर्स मिली इसको शिफ्ट कर रहे हैं, वो यहां से मिली कि लेस स्टेबल से मोर स्टेबल बन रहा है। अब ये बनने के बाद अब इस पे H2O का अटैक हुआ, एक ना सेकंड स्टेप, फर्स्ट स्टेप हो गया, सिर्फ एक एडिशनल हुआ, यहां तो वही लगाया मार्कोव निकोल रूल, और यहां किया हमने रीअरेंजमेंट। और रीअरेंजमेंट तभी होती है, देखो पहले में नहीं की थी हमने, दूसरे में भी नहीं की, क्योंकि वहां पे ऐसा कोई था ही नहीं। यहां पे क्या हुआ, कार्बोकैटायन के बगल वाला टर्शरी था या फिर वो क्वार्टनरी, तो ऐसा हो जाएगा। अब वाटर जो है इसके ऊपर अटैक करेगा, जब वाटर इसके ऊपर अटैक करेगा तो मैं पूरा नहीं लिख रहा हूं, प्रोटोनेटेड अल्कोहल नहीं बना रहा हूं, सीधा अल्कोहल बना रहा हूं, तो यहां पे OH लग जाएगा, तो यहां पे OH, ये बाकी पूरा सिस्टम और OH इसके ऊपर, तो बन गया ये प्रोडक्ट। समझ आया कैसे किया कि रीअरेंजमेंट कैसे दिमाग में आई, है ना, कि जब सेकेंडरी कार्बोकैटायन या प्राइमरी कार्बोकैटायन के बगल वाला टर्शरी या क्वार्टनरी हो तब आप ऐसा करो, ठीक है। अब यहां हुआ 1-2 हाइड्राइड शिफ्ट, ठीक है ना। अगर मेरे पास ऐसा हो, इसी को मैं मॉडिफाई कर दूं, मैं इस हाइड्रोजन की जगह मिथाइल कर देता हूं, जब ये मैंने मिथाइल किया पहले कार्बोकैटायन यहां बनेगा, पर उसके बगल वाला क्या हो जाएगा, ये क्वार्टनरी, तो पूरा कार्बन मतलब मिथाइल ग्रुप पूरा शिफ्ट हो जाएगा, पूरा मिथाइल ग्रुप शिफ्ट हो जाएगा, सॉरी ये तो ऐसे रहेगा, यहां पे भी क्या हो जाएगा, मिथाइल। इसका मतलब ये हुआ कि ये मिथाइल था, ये बना, ये तो ऐसे रहेगा। अब कौन सा शिफ्टिंग हुई, 1-2 मिथाइल शिफ्ट, 1-2 मिथाइल शिफ्ट हुई, तो मिथाइल ग्रुप पूरा इधर आ गया, बाकी सब सेम। तो यहां पे CH3 ऊपर लगाओ नीचे लगाओ डजंट मेक एनी डिफरेंस, तो इन दिस वे वी गेट द प्रोडक्ट्स। यहां भी वैसे ही ये कार्बोकैटायन और ये था, ये मोर स्टेबल बना और फिर आगे शिफ्टिंग, मतलब कॉपी पेस्ट है सब उसी का ही, पिछले वाले का, सिर्फ डिफरेंस क्या है कि मैंने हाइड्रोजन की जगह मिथाइल कर दिया, टर्शरी कार्बोकैटायन की जगह क्वार्टनरी कर दिया, तो इस तरह से डन, समझ गए, कर लोगे। तो ये हो गया आपका
एसिड कैटलाइज्ड हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन टू एल्कोहल, ठीक है। और इसमें क्या रूल चलता है, मार्कोव निकोव रूल एडिशन है विद रीअरेंजमेंट, दैट्स ऑल, ठीक है।